नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं Xiaomi के Redmi के फ़ोन के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला था 10 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही लीक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आप सभी को कि Xiaomi का जो फ़ोन आने वाला है, Redmi का फ़ोन, वो जो स्पोर्ट हो चुका है टेना के ऊपर, जो जिसकी जो लॉन्च तारीख थी वो 10 तारीख थी, लेकिन वो जो अभी लीक हो चुका है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें होगा बटर ड्रॉप नोच और कलर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं पूरा फंडा बता देता हूँ कि Xiaomi का Redmi का फोन कैसे, यानी आप सभी को बता दूं कि इसी हफ्ते में जो Xiaomi जो कंपनी है उसने एक ट्वीट किया था कि हम जो है हमारे सब ब्रांड जो है क्या बोलते हैं Redmi, उसको अब हम अलग कर देंगे और वो अब अपना सेपरेट एक अलग अपना एम्पायर जो खड़ा करेगी। तो इसके बाद में क्या हुआ, Redmi जो है अपना नया अपकमिंग फ़ोन ला रही है उसका जो मार्केट बनाने के लिए, तो उस फोन में जो है टेना ने तीन लीक्स दिए। उन्होंने बोले कि तीन मॉडल नंबर यहाँ जो हमारे सामने आए हैं, पहला जो है M1909F7C है, दूसरा 7T है और तीसरा F7E है। तो ये जो तीन मॉडल नंबर ये है जो हमें टेना ने बताए हैं, तो ये जो तीन लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो फ़ोन होगा इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.3 इंच की डिस्प्ले, जिसमें होगा एक वाटर ड्रॉप नोच। और आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं, इसमें हमारे को ये लीक पता चला है कि इस फोन में होने वाला है डुअल रियर कैमरा और एक पीछे फ्लैश, जो कि वर्टिकली अलाइन होंगे, यानी सीधे की तरफ होंगे, यानी दो कैमरा और उसके नीचे एक फ्लैश। और उसी के साइड में आप देख पा रहे हैं कि बैक की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको पिंक और क्या कहते हैं थोड़ा रेड जो वो आपको ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, जिसमें नीचे से पिंक आता आता थोड़ा ऊपर डार्क हो रहा है, तो वो जो उसको ग्रेडियंट कहते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बता दूं कि ये Xiaomi का नहीं है, आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये Xiaomi का फ़ोन नहीं है, क्योंकि अब उनकी जो सब ब्रांड जो है वो अलग हो गई है। जैसे ओप्पो का Realme था, फिर बाद में Realme अलग हो गई, ओप्पो अलग हो गई, तो वैसे Xiaomi का Redmi था, तो Xiaomi अलग हो गई, Redmi अलग हो गई। इसके एक सरप्राइज आपको बताता हूँ कि इसमें 4000 mAh की बैटरी होने वाली है, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि यार बैटरी बैकअप को भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो एक लीक आई थी कि बोल रहे थे कि भाई इसमें फ्रंट की तरफ भी वो जो डिस्प्ले होल होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं, डिस्प्ले होल नहीं होने वाला है। ये जो है टेना ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारी जो पुरानी रिपोर्ट से थी जिनमें हमने ऐसा बोल दिया था कि फ्रंट की तरफ आपको डिस्प्ले में होल देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा के लिए, लेकिन अब वो जो है नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा जितना भी पुरानी लीक्स आई है उसमें ऐसा बताया गया था कि ये जो होगा Redmi 2 Pro होगा इस फ़ोन को बोला जाएगा, और पावर्ड होगा स्नैपड्रैगन के 675 के लिए, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बोल रही है कि ये जो फ़ोन होगा ये होगा Redmi 7, यानी ये जो फ़ोन है Redmi 7 के नाम से भी मार्केट में आ सकता है। Xiaomi के CEO ने बोला कि Redmi जो है वो अल्टीमेट प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस के लिए वर्क करेगी, ये हमारा जो अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन Redmi जो है मेन इसके ऊपर फोकस करेगी, और हमारी जो Xiaomi है वो फोकस करेगी कि हाई टू एंड फोन्स कैसे दिए जाएँ बजट कैटेगरी में। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, वंदे मातरम।